नमस्कार दोस्तों, अभी भी राज्यसभा की 24 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को देश के 10 राज्यों के 24 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से गुजरात की 4 सीट पर, कर्नाटक की 4 सीट पर, आंध्र प्रदेश की 4 सीट पर, मध्य प्रदेश की 3 सीट पर, राजस्थान की 3 सीट पर, झारखंड की 2 सीटों पर और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीटों पर चुनाव हुए हैं। इन सभी 24 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे जरूर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपको बता दें, राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं। इन 245 सीटों में से 24 सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुए हैं, जिनमें सब पर नतीजे आ चुके हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने 2 प्रत्याशी खड़े किए थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने 1 प्रत्याशी खड़े किए थे। कांग्रेस ने केशव वेणुगोपाल और नीरज डांगी को मैदान में उतारा था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह को मैदान में उतारा था। हालांकि यहां पे भारतीय जनता पार्टी को 1 ही सीट पर जीत हासिल हुई है और कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों में से 2 सीटें अपने कब्जे में कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी केशव वेणुगोपाल और नीरज डांगी के जीत पर दोनों को बधाई दी है। अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं केशव वेणुगोपाल और नीरज डांगी जी को बधाई देना चाहूंगा, बहुत ही शानदार मतों से उन्होंने विजय प्राप्त किया है। उनका कहना है कि यह विजय श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रिंसिपल की विजय हुई है। उनका कहना है कि मुझे खुशी है, तमाम विधायकों ने एकजुट होकर वोट दिए, जिनके कारण हमारी विजय हुई। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने पर केशव वेणुगोपाल और नीरज डांगी को बहुत बहुत बधाई दी है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रोफेसर सुमेर सोलंकी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया थे। हालांकि यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी विजय हुए हैं। वहीं इन 3 सीटों में से कांग्रेस ने 1 सीटें अपने खाते में की है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन 3 सीटों में से 1 सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। हालांकि यहां भी थोड़ी कांटे की टक्कर थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य विधायकों को मिलाकर 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किए थे, जिसके कारण उनके विधायकों की संख्या बढ़ गई थी। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी उतारे थे, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने 1 प्रत्याशी उतारे थे और कांग्रेस गठबंधन वाली जेडीएस ने अपने 1 प्रत्याशी उतारे, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में इन 4 सीटों में से 2 सीटें गई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में थे और जेडीएस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा मैदान में थे। हालांकि इन सभी 4 सीटों पर इन सभी 4 प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक गस्ती और इराना कड्डिस मैदान में थे। इन सभी 4 प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना गया है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां की सभी 4 सीटों पर सत्ता पर काबिज वाईएसआर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि इन सभी 4 सीटों पर तेलुगु देशम पार्टी ने अपने 1 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उन्हें यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश की सभी 4 राज्यसभा सीटें वाईएसआर के खाते में गई है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 151 विधायक अकेले वाईएसआर कांग्रेस के हैं। 151 विधायकों की संख्या बल के कारण ही वाईएसआर कांग्रेस 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि तेलुगु देशम ने भी 1 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उन्हें यहां पे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं गुजरात की 4 सीटों की बात करें तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें शक्ति सिंह गोहिल और भरत भाई शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि गुजरात की 4 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है, ये सीट शक्ति सिंह गोहिल को मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में इन 4 सीटों में से 3 सीटें गई हैं, जिनमें अभय कुमार भारद्वाज, रामीला बेन बारा और नरी भाई अमीन शामिल हैं। हालांकि गुजरात में इन सभी 4 सीटों पर कांटे की टक्कर थी। दोनों ही पार्टियों में किसी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं था। भाजपा ने 4 सीटों के लिए अपने 3+3 उम्मीदवार उतारे थे। आपको बता दें, पिछले दिनों पार्टी विधायकों के इस्तीफे के बाद पार्टी के पास सिर्फ 65 विधायक रह गए थे। कांग्रेस को भारतीय ट्राइबल पार्टी एनसीपी और
और जिग्नेश मेवानी के वोट का भरोसा था, पर इनके समर्थन के बावजूद जीत के लिए एक वोट की और जरूरत। ऐसे में पार्टी चुनाव प्रबंधन पर पूरा जोर दे रही थी ताकि 2017 की तरह वह चुनाव जीत सके। आपको बता दें गुजरात विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 103 है और कांग्रेस पार्टी की संख्या 65 है। इस कारण से कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीतने में कामयाब और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश की एक सीट की बात करें तो यहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवाब रेबिया ने अरुणाचल प्रदेश की एक सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं झारखंड की 2 सीट की बात करें तो यहां के राज्यसभा की 2 सीटों पर जेएमएम ने यानी सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने अपने एक प्रत्याशी उतारे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी उतारे थे और कांग्रेस ने भी सजाद अनवर को उतारा था। यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिबू सोरेन को मैदान में उतारा था और भारतीय जनता पार्टी ने दीपक प्रकाश को उतारा था। इन दोनों सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 1 सीट गई है और भारतीय जनता पार्टी के दीपक प्रकाश 1 सीट पर विजयी हुए हैं। वहीं मणिपुर की 1 सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एनपीएफ ने भी 1-1 प्रत्याशी अपने उतारे थे, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के महाराजा सांझाओ ने जीत हासिल की है। मेघालय की 1 सीट की बात करें तो यहां पर एनपीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे, हालांकि यहां पर एनपीपी ने जीत हासिल की है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की 1 सीट पर एमएनएफ ने जीत हासिल की है। यहां पर कांग्रेस और जेएमपी ने भी अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन यहां पर एमएनएफ ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। राज्यसभा की कुल टोटल 21 सीटों की बात करें तो किसके खाते में कितनी सीटें गई, तो आपको बता दें गुजरात की 4 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 1, भाजपा के खाते में 3 सीटें गई। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों में से वाईएसआर के खाते में 4 सीटें गई है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों में से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां पर राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों में से कांग्रेस ने 2 पर कब्जा जमाया है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट गई है। झारखंड की 2 सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और यहां की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 1 सीट गई है। मणिपुर के 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। वहीं मेघालय की 1 सीट पर एमडीए ने अपना कब्जा जमाया है। मिजोरम की 1 सीट पर एमएनएफ ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं कर्नाटक में जेडीएस 1 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर विजयी हुई है। हालांकि यहां पर इन सभी 4 प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना गया था। वहीं आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के 1 प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। टोटल सीटों की बात करें तो कुल 24 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीटें गई है और कांग्रेस के खाते में 5+1 सीट गई है और अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीटें गई है। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस प्लस अन्य को मिलाकर तो 7-6-13 सीटें इनके खाते में गई है। वहीं इनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें हासिल हुई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें बिहार इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग का ऐलान आ गया है। इस बार M3 मॉडल के EBM 3 से वोट डाले जाएंगे। जी हां, आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। इस बार चुनाव एक नए प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जाएगा। इस EBM को M3 नाम दिया गया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरी जांच के बाद इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि अब तक EBM के मॉडल 2 से चुनाव होते आए हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि हर चुनाव के बाद हारने वाली पार्टियां अपनी हार की ठीकरा EBM पर ही फोड़कर धांधलेबाजी का आरोप करती हैं। इसलिए अब भारत निर्वाचन आयोग EBM M3 यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मार्क 3 का इस्तेमाल करने जा रही है। बताया जाता है कि EBM की चिप को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है और चिप के सॉफ्टवेयर को पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसे ना तो इंटरनेट ना ही किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सकता। यहां तक कि इसे खोलने की कोशिश भी की गई या मशीन छेड़छाड़ करने वालों की फोटो खींचकर खुद बंद हो जाएगी। इसके अलावा EBM Mark 3 में 384 प्रत्याशियों की जानकारी रखी जा सकती है। नई मशीन के प्रयोग से वोट किसी को देने और पर्ची किसी अन्य का निकलने की शिकायतें रुकेंगी। EBM का बटन दबाने पर उनके साथ जोड़े गए VVPAT से कागज की एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची पर उस प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह होता है जिसे वोट दिया जाता है। यह पर्ची VVPAT के करीब 10 सेकंड तक दिखती है। इस व्यवस्था से मतगणना के दौरान शिकायत मिलने पर पर्ची से मिलान संभव होगा।